अग्रवाल विकास ट्रस्ट द्वारा महाराजा अग्रसेन ने 5144मी जन्म जयंती सांस्कृतिक कार्यक्रमों साथे उजवणी करवामां आवी हती। शहेरना सिटीलाइट खाते आवेल महाराजा अग्रसेन भवनमां महाराजा अग्रसेनने 5144मी जयंती महोत्सव योजवामां आव्यो हतो, जेमां गुजरातना राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी वीडियो कॉन्फरन्सना माध्यमथी आ प्रसंगमां जोड़ाया हता अने अग्रवाल विकास ट्रस्टना सभ्य सुभाष अग्रवाल, संजय सरावगी, राहुल अग्रवाल અને ટ્રસ્ટની મહિલા અને યુવા શાખાના સભ્યો પણ હાજર રહીને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો। આ અંગે વધુ વાતચીત તેઓએ એબી ન્યૂઝ ચેનલ સાથે કરી હતી। સુભાષ કુમાર અગ્રવાલ, આજ કા કાર્યક્રમ કોરોના મહામારી કી વજહ સે હમ લોગોને વર્ચ્યુઅલ રૂપ મે કિયા થા, જિસમે યહાં ગુજરાત કે ગવર્નર શ્રી શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી શામિલ હુએ થે ઓર યે ઉન્હોને આજ બહોત प्रेरणादायी बातें बोली। हम लोग जो भी समाज में सेवा करते हैं, मेडिकल के अंदर में, स्कूल के अंदर में, इसके बारे में उन्होंने और एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए भी बोला कि उन्होंने काफ़ी कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं और इसको और बढ़ाएं, तो इसकी उनकी बातों से हमें काफ़ी प्रेरणा मिली है। हम लोग इसके अंदर में और आगे एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और आगे चलेंगे। मैं संजय सरावगी, अग्रवाल विकास ट्रस्ट का उपाध्यक्ष, और इस साल हम 5144वीं जयंती महाराजा अग्रसेन की मना रहे हैं। और हम लोगों का जो हर बार राज्यपाल जी आते थे, इस बार हमारे महामहिम राज्यपाल गुजरात के श्री आचार्य देवव्रत जी, वो हमें वर्चुअल ऑनलाइन से उनका मार्गदर्शन मिला है, उनका आशीर्वचन हमें मिला है। और अग्रसेन भवन पर वे पिछली बार भी आए थे, इस बार उन्होंने अपना वर्चुअल ऑनलाइन तरीके से हम लोगों को जो है मार्गदर्शन मिला है। और हम लोग इस बार जितने भी प्रोग्राम कर रहे हैं भवन पर, वो सारे वर्चुअल तरीके से कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं कोरोना काल में। इस तरीके की ये हमारी एक अच्छी पहल है कि लोगों को एक हम कोरोना से बाहर, एक जो मानस बन गया है उससे बाहर निकालें और उन्हें एक फेस्टिव मूड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रकाश मोर, कल्चरल कमेटी कन्वीनर, अग्रसेन भवन, अग्रवाल विकास ट्रस्ट। मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस बार हमने जो वर्चुअल प्रोग्राम्स रखे हैं टोटल यूट्यूब के माध्यम से जो रखा है, उसके कारण जो हमें फेम ग्लोबल मिल रहा है, हमारे पास जो भी सब्सक्रिप्शन है वो हमारे पास US, सिंगापुर सब जगह से आ रहे हैं। उसके कारण ये जो एक मैसेज समाज के बीच जाएगा वो ये है कि भाई ग्लोबल तरीके से जो काम हम कर रहे हैं कोरोना काल के बीच में भी, अगर हमने ये लिया है वर्चुअल डिस्टेंस के साथ, वो काफ़ी सराहनीय है और सब लोग इसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर, इसके व्यूज़ जो है वो हमारे पास काफ़ी क्वांटिटी में आ रहे हैं, और जो हमने सब्सक्रिप्शन दिया है उसमें रजिस्ट्रेशन में 20 प्रोग्राम हमने रखे हैं जो 17 अक्टूबर तक चलेगा। 17 अक्टूबर तक में हर फंक्शन और हर इवेंट के लिए मेरे पास ऑलरेडी 100 से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ चुके हैं और रजिस्ट्रेशन मुझे मिल चुका है, जो हमने सोचा था कि एक अच्छा पहल है हमारे लिए।